कुलदीप यादव जी आपल्या सोबत आहे, आपण म्हणजे थेट बातचीत करणार आहोत. सर जी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने देश का सपना पूरा किया, कैसा फील करते हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत बहुत ज्यादा खुशी है क्योंकि क्रिकेटर होने के नाते आप हमेशा चाहते हैं कि आप आईसीसी टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करें और वर्ल्ड कप जिताएं, और वो जो ड्रीम रहती है किसी भी प्लेयर की कि इंडिया खेलने के बाद हमेशा सोचता है कि भारत के लिए नाम रोशन करें. ऑब्वियसली आप खेलते हैं, प्राइड की बात है, बट जब तक आप कप नहीं उठाते तब तक क्रिकेटर का सपना पूरा नहीं होता है. तो मैं उस चीज के लिए बहुत खुशी है. स्पेशल थैंक्स टू ऑल दी टीम मेंबर्स और सपोर्ट स्टाफ जिन्होंने बहुत सारी मेहनत की और इस कप को हाथ में लाया. प्रेशर था बहुत, स्पेशली चार ओवर बचे थे, उस वक्त कुछ भी हो सकता था, मैच यहाँ भी जा सकता था, वहाँ भी जा सकता था. हमेशा गेम ऐसा ही है, प्रेशर हमेशा रहता है और इसीलिए हम खेलते हैं इस गेम को, और जब ऐसी सिचुएशन से आके जीतते हैं तो बहुत खुशी होती है. मरीन ड्राइव की कितनी यादें आपके साथ, क्योंकि बहुत भीड़ थी वहाँ पे, पैर रखने की भी जगह नहीं थी. मेरा पहला एक्सपीरियंस था और मैंने बहुत एंजॉय किया, मतलब ये अनरियल था मेरे लिए देखना लोगों को, क्योंकि वर्ल्ड कप आखिरकार उन्हीं का ही है, उनका इतना सपोर्ट हमें प्यार मिलता है, इतने सालों से मिलता चला आ रहा है. हमारा सबका सपना होता है कि फैंस के साथ हम सेलिब्रेट करें, और वो चीज वहाँ पे कल देखने को मिली और बहुत अच्छा लगा मुझे. मुंबई और भारत के फैंस के क्या बोलेंगे जो जिस प्रकार का कल स्वागत हुआ, अभूतपूर्व था सब कुछ. बिल्कुल, आई मीन ये जीत उनके लिए और ये कप उनका है, और ऐसे ही हम खेलते रहे, ऐसे ही सपोर्ट हमें वैसे ही मिलता रहेगा, हमें इतना तो पता है मुझे, और पूरी उम्मीद है कि बहुत पूरा भारत खुश है इस जीत से. और स्पेशली रोहित भाई को थैंक यू बोलना चाहूंगा, जिस तरह से उन्होंने टीम लीड की, ऑल द सीनियर प्लेयर, ऑल द सपोर्ट स्टाफ, ऑल द प्लेयर्स जिन्होंने इतनी मेहनत की, इतने सालों से लगे हुए थे. अनफॉर्चुनेटली हम 2023 में वर्ल्ड कप हार गए थे, बट जो हमारी डेस्परेशन थी जीतने की, और शायद वो उस हमें इकट्ठा किया है टीम को खेलने के लिए, और उससे हम ये जीते. तो बहुत, और आपको प्रेरणा कहाँ से मिली इन सब के लिए? बिल्कुल, आई मीन प्रेरणा क्या, अब अगर आप इंडिया के लिए खेलते हैं, ऑब्वियसली आप चाहते ही हैं कि आप ट्रॉफी उठाएं, तो वहीं से प्रेरणा मिली. आखिरी सवाल है, वो तमाम भारतीय जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं और इसी तरीके से आपसे प्रेरणा लेके क्रिकेट खेल के एक दिन देश को विश्व चैंपियन बनाए, उनके लिए क्या मैसेज है? बिल्कुल, जैसे हमने भी क्रिकेट स्टार्ट की तो हमने भी देखा 2007 में हम वर्ल्ड कप जीते, उसके बाद 2011 में वर्ल्ड कप जीते, तो वहां से हमें सपोर्ट मिला, आई मीन एक विजन मिला खेलने का, और सपना देखा हमने. आई एम श्योर कि वो लोगों ने सपना देखा है. मैं चाहता हूँ कि मेहनत करते रहें, कभी हार मत माने किसी भी चीज को लेके, और हमेशा हमेशा पॉजिटिव सोचे, और जो आपके हाथ में है, जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर ध्यान दें. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. संजय आणि रवि खराचा, गिरीश गायकवाड, TV9 मराठी, मुंबई.